जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार बढ़ती गाड़ियों के कारण शहर के अंदर की जगहें जब बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं। एक और जहां पर शहर में कुछ जगह पार्किंग ज़रूर बनाई गई है और उसमें वाहन जो हैं खड़े करने की पूरी सुविधा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पर वाहन खड़े करने की कोई जगह नहीं है। पार्किंग्स होनी चाहिए लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वो पार्किंग अलॉट कराने में कहीं ना कहीं असमर्थ देखी जा रही है, क्योंकि ज़मीन नहीं बची हुई है। और बहुत जगहें ऐसी हैं जहां पर बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि जहां पर पार्किंग नहीं है, और जिस तरह आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि यहां पर नो पार्किंग ऑन रोड साइड साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो जो एजेंसियां हैं जो पूरी पार्किंग मैनेजमेंट देखती हैं, जिसमें JDA और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दो बड़ी एजेंसियाँ हैं जो पूरी अलग अलग जगहों पर जो पार्किंग है वो अलॉट कराती हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि ज़मीन ना होने के कारण बहुत ऐसी जगह हैं जो कंजस्टेड हो गई हैं और लोग अपने वाहन खड़े करने के लिए वहाँ पर उनको जगह नहीं मिलती है। और अगर वो खड़े करते भी हैं तो ट्रैफिक कर्मी जो है आके उनके चालान काट जाते हैं या फिर गाड़ियाँ टो करके ले जाते हैं। हालांकि अपने मुख्यालय के बाहर JDA के बाहर उन्होंने बोर्ड लगाए हैं कि रोड किनारे आप गाड़ियाँ ना खड़ी करें, वहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गाड़ियाँ ज़रूर लोग खड़ी करते हैं लेकिन वहाँ पर उन्होंने पार्किंग डिक्लेयर कर दी है जहाँ पर पहले नहीं है, और पार्किंग वाले जो हैं मनमाने पैसे वसूल करते हैं। और अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो ग्रीवेंस के लिए कोई नंबर वहाँ पर मौजूद नहीं है, और जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पब्लिक ग्रीवेंस की तो पब्लिक यहाँ पे खुद मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करें, क्या ये लाजिब है कि इस तरह पे सड़क के किनारे पार्किंग? सर, पार्किंग की ग्राउंड सामने भी है, शोर भी है, लेकिन सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी करनी? देखिए मेरी बात ये सुनिए, सबसे पहली बात ये कि यहाँ तो कोई अलो ही नहीं है। ये JDA का एरिया गांधीनगर जो है ये ए क्लास सिटी है, यहाँ पर कम से कम 40 रोड की अलो है, और जो लोग रोड में गाड़ी खड़ी करते हैं उनसे भी पार्किंग मांगते हैं। सबसे पहली बात इनको यहाँ पर जगह बनानी चाहिए, कोई टाइल नहीं लगाई, कोई इन्होंने अपना रिबन नहीं लगाया, कोई जगह नहीं है पार्किंग के। दूसरी बात ये कि इनका जो पार्किंग बना हुआ है उसमें कचरे का ढेर है, वहाँ भी इतनी उल्टी आती है गंदगी में, कौन पैसे देगा गाड़ी लगाने के? सबसे पहली बात तो ये JDA खामखा कस्टमर को लूटने की कोशिश कर रहा है, और वैसे ये लोग आगे लगा हुए, मैं तो दो बार इनसे झगड़ चुका हूँ दो दिन से कि भाई ये रोड पर गाड़ी लगाइए, किस चीज़ की पार्किंग दूंगा। इसलिए इनको कम से कम सरकार अगर कहीं है या गवर्नर साहब कहीं अगर हैं तो इनका कम से कम इन पर एक्शन तो लें या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। इन्होंने तो अपनी मनमानी बचाई है, कल ये रोड पर बोलेंगे पार्किंग ला दो, कल तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पार्किंग हो जाएगी, ये क्या चीज़? फिर कस्टमर कहाँ आएगा? ये तो यहाँ तो बड़े बड़े सरकारी मुख्यालय, यहाँ क्या पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक रिलेशन का ऑफिस है, यहाँ तो हर आदमी आएगा अपनी सुनवाई करने, कोई किसी काम के लिए गाड़ी रोकेगा तो ये लोग आ जाएंगे पार्किंग दो 20 रुपये 30 रुपये, ये किस चीज़ की पार्किंग? हमारी यही गुजारिश है सरकार से कम इन पर कोई अमल किया जाए। मनमानी की बात कर रहा हूँ कि सड़कों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और पार्किंग जो है वो वसूल रहे हैं, हालांकि जो करोड़ों रुपया खर्च करके पार्किंग जो है बहु प्लाजा में बहुत जगह बनाई है। और सबसे पहले मैं आपकी अगर बोर्ड की तरफ नज़र डालूँ तो यहाँ पे पेड पार्किंग JDA लिखा हुआ है और इंक्लूडिंग GST, और रेट्स देख सकते हैं कार के, जो अगर आपने पूरे दिन के लिए खड़ी करनी है तो 100 रुपया लगना है, और अगर आपने 2 घंटे के लिए खड़ी करनी है तो 25 रुपये, वहीं 2-व्हीलर के लिए 17 रुपये रखे हैं, 12 रुपये रखे हैं 2 घंटों के लिए, और अगर आपने 24 घंटों के लिए रखना है तो 40 रुपये रखे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सड़क है, ये कोई पार्किंग नहीं है, और अगर आप इस ओर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग लॉट है, पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, हालांकि ये रोड का ही हिस्सा है। वो तमाम अगर इस ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी मोटरसाइकिल बाइक्स खड़ी हैं ये रोड के किनारे खड़ी हैं, ये एक प्रॉपर पार्किंग की जगह नहीं इसको दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर JDA यहाँ पार्किंग वसूल रहा है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और अगर आप उस तरफ सामने देखेंगे तो उस तारों के अंदर जो है प्रॉपर JDA ने पार्किंग बनाई हुई है, लेकिन वहाँ कोई पार्किंग वसूलने वाला नहीं है, और जहाँ प्रॉपर पार्किंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं, तो लोग वहाँ पर गाड़ी खड़ी करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि JDA है अथॉरिटी जो पार्किंग अलॉट्स को जो है टेंडर निकालती है और जगहों पर जो पार्किंग इशू देती है, वहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास भी ये पूरा इसका दायरा रहता है कि वो कहाँ पर पार्किंग इशू करेंगे। लेकिन बहु प्लाजा की बात करें, सड़कों पर
बोर्ड लगा दिए गए हैं कि आप पेड पार्किंग है पार्किंग दें, वहीं ठीक ऐसे ही बोर्ड अपने मुख्यालय के बाहर, विकास भवन के बाहर भी ऐसे बोर्ड लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है। वहाँ पर ये लिखा गया है कि सड़क किनारे वाहन खड़ा करना उसके लिए अलाउड नहीं है। तो दो नज़रिए वहाँ पर जेडी के दिखते हैं, एक और अपने मुख्यालय के सामने की सड़क पर, वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप वाहन खड़े ना करें, वहीं दूसरी ओर आम सड़कों पर इस तरह के बोर्ड लगाकर पार्किंग जो वसूलना है वो जेडी शुरू करा। और ग्रीवेंस के लिए कोई नीचे नंबर नहीं है, अगर किसी को सामान चोरी होता है, कोई गाड़ी चोरी होती है, तो कहीं कोई नंबर नहीं है कि शख्स जो है वो बात कर सके कि हमारी फलानी फलानी चीज़ चोरी हुई है। तो सवालों के घेरे में ज़रूर जेडी है, और किस क्यों इस तरह से एक रवैया है, और क्या ये इसके पीछे कोई बड़ा स्कैम है, ये ज़रूर जाँच का विषय है। देखना ये है कि क्या कोई एजेंसी या फिर लोग जो हैं इसको लेकर आगे ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की नाराज़गी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मन माने पैसे पार्किंग के लोग वसूल रहे हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।